बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सनामित। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की सिंधी बिरयानी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लेकर रखा हुआ है। थोड़ा पहले मैंने ज़्यादा लिया था 1.5 कप, और उसके अंदर मैंने प्याज ब्राउन करके निकाल ली थी। तो यहाँ पर ये 1 कप के करीब ऑयल है हमारे पास। इसके अलावा इसमें गर्म मसाले जाएंगे। यहाँ पर ये हैं काली मिर्चें हैं 10 से 11, तेज़ पत्ते हैं यहाँ पर 2 से 3 छोटे छोटे, काली इलायची ली हमने 3, एक बादियान का फूल है, हरी इलायची है 4, दालचीनी की स्टिक है छोटी छोटी, यहाँ पे 3 से 4 छोटी छोटी स्टिक ली हैं। इसके अलावा लौंगे जाएंगी 10 से 11, ये सब इसमें डाल देंगे। हल्के से चमचा चलाएंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा जीरा, जाएगा 1/2 टीस्पून के करीब जीरा जाएगा, वो ऐड कर देंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून के करीब, और इसे हल्का सा भूनेंगे। यहाँ पे हमने चिकन लिया, वॉश करके रखा था, 750 ग्राम हमारे पास चिकन है, वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि किलन अपना चिकन अपना कलर चेंज कर ले। तेज आंच पर भूनना है इसको। चिकन अच्छे से भून गया, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। पीसी मिर्ची लिया हमने 1 टेबल स्पून, पिसा धनिया लिया हमने 2 टीस्पून, चाट मसाला लिया हमने 1 टीस्पून, कुटी मिर्ची लिए हमने 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है हमने यहाँ पे 1/2 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा यहाँ पर जायफल जावित्री जाएगी थोड़ी थोड़ी सी। इसके अलावा इसमें सिंधी बिरयानी में ख़ास चीज़ क्या होती है कि ये बहुत ज़्यादा चटपटी सी होती है और इसमें खट्टा सा टेस्ट आता है, तो इसमें जाती है टाटरी। 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें टाटरी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया है। अब इसमें दही जाएगा 1 पाव, हम दही डालेंगे इसमें। फ्लेम अभी भी हमारा हाई है। अब इसमें ब्राउन करी हुई प्याज डालेंगे, 3 बड़े साइज़ की प्याज लेकर हमने उसको ब्राउन कर लिया, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके अलावा हमने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको स्लाइस करके रखा हुआ है, ये भी डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन तेज़ आंच पर इसे हमें 10 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि टमाटर और दही जो है अपना पानी रिलीज़ करेंगे। अगर हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे तो ये चिकन जो है बिल्कुल गल जाएगा और टूट जाएगा, इसलिए कवर कर देते हैं। अब इसको तकरीबन हाई फ्लेम पर पकते हुए इसको 8 मिनट हो गए, ये देखें। अब हम इसमें आलू बुखारे डालेंगे, 7 हैं ये आलू बुखारे, ये डाल देंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पर धनिया लिया है, 7 से 8 तकरीबन डंडियाँ, और इसके अलावा हमने यहाँ पर पुदीना लिया है और हरी मिर्चें ली हैं, 10-12 हरी मिर्चें ली हैं बारीक वाली, आप चाहें तो मोटी भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आपकी मर्ज़ी पर है। ये देखें, बस अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। ये देखें, बहुत ज़्यादा इसमें मसावो नहीं है, शोरवा नहीं है। अब हम इसे दम पर रख देंगे 5 मिनट के लिए, कवर कर देते हैं लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए, अब हम कवर हटा के देखते हैं। ये देखें, गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है और ग्रेवी हमें बस इतनी ही चाहिए थी, तकरीबन 1 कप के करीब इसके अंदर ग्रेवी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बस अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको साइड पर रख देंगे। यहाँ पर हमने 3 कप चावल लिए थे, उनको बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। 3 कप चावल लिए थे तो हमने तकरीबन 6 कप के करीब इसमें पानी ऐड किया है और इसको बॉईल करने के लिए रखा। अब इसमें नमक जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब, इसमें हम नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा तेज़ पत्ते जाएंगे इसमें 2 से 3, दालचीनी की 1 स्टिक जाएगी यहाँ पर, और 6 से 7 जाएंगी यहाँ पर लौंगे जाएंगी, और 1/2 टीस्पून के करीब जीरा ऐड करेंगे। देखिए, इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है, फ्लेम हमने इस वक्त हाई किया हुआ है। चावलों को तकरीबन 80% पकाना है। चावल को पकते हुए 8 मिनट हो गए, ये देखें, चावल तकरीबन 1 कनी रह गया है बस इसमें, ये देखें। अब हम इनका पानी जो है स्ट्रेन कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चावल रेडी हो गए, अब हम बिरयानी की तह लगाते हैं। हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, अब हम इसमें थोड़े से चावल ऐड करेंगे। इसको
स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हम चिकन का सालन डालेंगे जो हमने बना के रखा हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राइट साइड पर जो बेल आइकन बना है उस पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये देखें इस तरह करके डालेंगे। अब इसके अंदर थोड़ी सी प्याज डालेंगे। प्याज मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करती क्योंकि फिर मुँह में आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। अब दोबारा से इसके ऊपर हम चावल डालेंगे। अब यहाँ पर हमने आलू बॉईल करके रखे थे। मैंने आलूओं को लंबा लंबा काट के और पानी में बॉईल किया, काटने के बाद बॉईल किया और उसमें जर्दे का रंग डाल दिया था ताकि कलर ज़रा अच्छा सा आ जाए, वो हम डाल देंगे। आपकी मर्ज़ी, अगर आप बॉईल करना नहीं चाहें तो आप मत करिएगा, कलर अच्छा लगता है ज़रा चावलों में। ये हमने डाल दिया है। एक टमाटर बारीक काट के रखा हुआ है वो डाल देंगे हम इस पर। और सालन, फिर दोबारा हम सालन की एक लेयर लगाएंगे इसके अंदर। तो बाकी जो चावल है पूरे वो भी इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने थोड़े से जर्दे के रंग में केवड़ा वाटर मिला के रखा हुआ है वो डाल देंगे और तली हुई प्याज थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम डालेंगे विनेगर डालेंगे थोड़ा सा और ऊपर से 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल डाल देंगे। बस बिरयानी दम पर जाने के लिए एकदम रेडी हो गई है। बस अब हम इसे कवर कर देंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे हम 6 से 7 मिनट के लिए। हमने हाई फ्लेम किया हुआ है, उसके बाद हमें इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गए थे, बिरयानी एकदम रेडी हो गई है। बस अब हम आपको इसको डिश आउट कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं कितनी ज़बरदस्त सी बिरयानी रेडी हुई है हमारी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी मसालेदार बिरयानी बनी है, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। ये देखें हमने डिश आउट कर दी है, बहुत ही मज़ेदार किस्म की चटपटी सिंधी बिरयानी तैयार हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।